हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहां पर ये वीडियो पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं कि बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ जिसके पास यहां पर 8 से 10 मिनट हैं वे ही इस वीडियो को देखें। चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, तो आपका स्वागत है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि शेयर करने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं होता है। मित्रों, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन आप लाइक कर देना, बस यही आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है कि 4 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन पहले से ही दे दिया गया है, समझ रहे हैं मित्रों। और इसके बावजूद यहाँ पर ये अभी आपका 16 नवंबर को भी यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका रिमाइंडर हुआ है, मतलब बोले तो अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सैनिकों को यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को तो ज़रूर आप लोग पहुँचा ही देना। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो भी भूतपूर्व सैनिकों को मदद मिलती है, पुनर्वास के लिए, कल्याण के लिए, वित्तीय सहायता, विधवाओं के लिए, जो भी यहाँ पर मदद मिलती है वो हम सबको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर ये हर साल यहाँ पर सैनिक कल्याण कोष के द्वारा यहाँ पर ये अलाउंस कर दिया जाता है कि इतना पैसा यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेनोरी ग्रांट है वो 65 वर्ष और उससे अधिक हवलदार रैंक तक के जो गैर पेंशन भोगी, मतलब जो ऑन सर्विस हैं, उनको यहाँ पर ये ग्रांट मिलता है। और ये ग्रांट उनको लगातार जीवन भर 4,000 रुपये महीने मिलता है। फ्रेंड्स, ये सबको इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर सबको ये मालूम होना चाहिए। शिक्षा का जो अनुदान है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक, यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं PG के लिए, विधवाओं के लिए भी यहाँ पर फ्रेंड्स 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है जीवन भर के लिए, जब तक वो पढ़ते हैं, जब तक वो ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बोले तो हाई स्कूल 10th 12th और फिर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसमें ग्रेजुएशन में कोई भी हो सकता है। बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट करते हैं VTech वालों को भी मिलेगा, तो VTech भी ग्रेजुएशन में ही आता है, बैचलर डिग्री है। आफ्टर यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए जो योगदान है वो 3,000 रुपये महीने है, JCOs रैंक तक पेंशन भोगी और गैर पेंशन भोगियों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी विवाह के लिए जो अनुदान है, पेंशन भोगी भी होंगे उनमें और गैर पेंशन भोगी भी जो भी अभी ऑन ड्यूटी हैं, तो उनको यहाँ पर क्या है कि 50,000 रुपये पर डॉटर यहाँ पर ये अनुदान मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूल है वो 21 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है, उसके बाद में उसका विवाह होगा तो उनको यहाँ पर एप्लीकेबलिटी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ग्रांट है वो 180 दिन तक आपको, शादी से 180 दिन के भीतर भीतर आपको यहाँ पर इसका क्लेम कर देना है और आप फाइल डाल देंगे तो उस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें ये कैसे इसको किया जाता है, कैसे यहाँ पर इसको अनुदान दिया जाता है, फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है फॉर्म, तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, यहाँ पर चैनल पर डाल चुका हूँ और दोबारा से भी मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो सब मैं बता दूंगा अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो में कमेंट करते हैं तो। मित्रों, यहाँ पर ये पुनर्विवाह के लिए भी, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी यहाँ पर 50,000 का अनुदान मिलता है। 2 डॉटर यहाँ पर हैं किसी की, तो उनको भी यहाँ पर ये लाभ मिलता है। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चिकित्सा उपचार होता है उसके लिए 30,000 रुपये मिलते हैं अधिकतम, और जो अनाथों के लिए अनुदान मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पर वो 3,000 रुपये मिलता है प्रति माह। अब इसमें आप लोग कंडीशन देख सकते हो कि जो अनाथ अनुदान है वो यहाँ पर पेंशन भोगी और गैर पेंशन भोगी दोनों को मिलता है। पुरुष सैनिकों की बेटियाँ जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक, और ये भूतपूर्व जो सैनिक हैं 21 वर्ष तक की आयु तक उनको ये अनुदान दिया जाता है, जो यहाँ पर अनाथ का अनुदान होता है। आफ्टर फ्रेंड्स, यहाँ पर विधवाओं के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान होता है ये 20,000 रुपये प्रति
वन टाइम होता है, प्रतिमाह नहीं होता है। और इसमें यहाँ पर जो हवलदार रैंक तक भी होता है, ये भी वन टाइम है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी यहाँ पर बीमारी लिखी हुई है, इन सब बीमारी में इनके इलाज के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अधिकारी और कार्मिक को कुल व्यय का क्रमशः 75 और यहाँ पर 90% तक उनको अनुदान मिलता है। मतलब जैसे खर्चा हुआ है किसी व्यक्ति का यहाँ पर 1 लाख, तो उसको 90,000 रुपये सरकार तक यहाँ पर जमा करती है। डायलिसिस और कैंसर का इलाज के लिए भी 75 और 90 का रेशियो है। इसके बाद यहाँ पर संशोधित स्कूटर का अनुदान जो है वो उन ESM को 1 लाख रुपये का प्रदान किए जाएंगे जो 50% या उससे अधिक विकलांग होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो नियम है वो सेना, नौसेना, वायुसेना, थलसेना सबके लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर या उससे अधिक की एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा। उन ESM को 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे जो 50% या उससे अधिक की विकलांगता के बाद सेवा से विकलांग हो जाते हैं, मतलब रिटायर, जो भी यहाँ पर IHQ सेना, नौसेना, वायुसेना की एक एजी शाखा की योजना के तहत कवर नहीं होते हैं ये। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जो घर की सब्सिडी जो होती है, घर के लिए जो अनुदान होता है गृह के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो KSV युद्ध में भी जो शोक संतप्त परिवार होते हैं या युद्ध में विकलांग होते हैं तो उनके घर के लिए यहाँ पर सार्वजनिक बैंक या बैंक से यहाँ पर गृह ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से यहाँ पर 50% की ब्याज की प्रतिपूर्ति रुपए करके यहाँ पर 1 लाख रुपए अधिकतम मिलते हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के योग्यता के आधार पर पात्र छात्रों को कुल 5,500 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लड़कों के लिए 2,500 है और लड़कियों के लिए 3,000 है। अब यहाँ अगर कोई भी ESM पुनर्वास करता है तो उसके लिए यहाँ पर किरकी, मोहाली जो पुनर्वास केंद्र हैं उनमें यहाँ पर अलग अलग रेट है। यहाँ पर 30,000 रुपये प्रति कैदी और 1.2 करोड़ रुपये का है अप्रैल 2006 से। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं 10 लाख का है 2015 से। अखिल भारतीय गोरखा पुरुष सैनिक कल्याण से यहाँ पर 12 लाख हैं और CR होम्स से यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति कैदी। युद्ध स्मारक छात्रावास 36 WMH है जो कि युद्ध विधवाओं में विकलांग, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार मामलों में यहाँ पर 1,350 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन इसका KSV में आप लोग पंजीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ आप लोग सभी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर सब्सिडी मिलती हैं, छूट मिलती हैं, जैसे कि कोयला वगैरह की फैक्ट्री लगाने में विधवा विकलांग के लिए एक टिपर अटैचमेंट योजना होती है, 8% का आरक्षण कोटा होता है तेल वगैरह की, LPG वगैरह की जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। NCR में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल सब्जी के लिए दुकानों के लिए यहाँ पर आवंटन मिलता है। पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केंद्र करते हैं कौशल विकास के, तो उसमें भी यहाँ पर लाभ मिलता है। और जो भी रोज़गार है तो भूतपूर्व सैनिकों को उसमें भी यहाँ पर कम से कम 24% का लाभ मिलता है। जो भी राशि है यहाँ पर 25 लाख से 45 लाख रुपये रहती है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से यहाँ पर 1 करोड़ तक लाभ मिलता है अधिकारी के लिए और JCS के लिए यहाँ पर मिलता है 50 लाख का। तो यहाँ पर आप लोग ये पूरा देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए यहाँ पर मृत्यु पर है ये सारा कुछ। देखिए यहाँ पर AWWA से 30,000 रुपये का अनुदान मिल रहा है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरा ही इसको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग यहाँ पर इतना टाइम दे नहीं पाओगे। कंप्यूटर अनुदान भी यहाँ पर 35,000 रुपये मिलता है, विभाग के लिए भी यहाँ पर अनुदान मिल रहा है सर, नमस्ते, और सरकारी आवास के लिए भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है, और आप भी इसको जाके साइट से पढ़ सकते हो।